पेड़ों की लगातार हो रही कटाई से एक ओर जहां पर्यावरण प्रभावित हुआ है, वहीं इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि इसके चलते बारिश की कमी हुई है। ये देखते हुए बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष में वृक्षारोपण कर रही है। इसी के तहत गाजीपुर में रेल एवं संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने पौधा लगाया। इस मौके पर सिन्हा ने लोगों से नीम का पेड़ लगाने की अपील की। सिन्हा ने कहा कि नीम के बीज बेचकर साल में 50,000 रुपये तक कमाया जा सकता है, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया बनाने वाली कंपनी इफको नीम के बीज को 50 रुपये किलो के दर से खरीद रही है। कि नीम पर हमने काफी शोध कराया है और जब से मोदी जी की सरकार इस देश में बनी है, आप सबको मालूम है कि नीम कोटेड यूरिया इस देश में अब उपलब्ध है, तो इफको स्वयं नीम के बीज खरीदने का काम कर रही है और 15 रुपया किलो उसका भाव है। अनेक किसान अगर 5 क्विंटल 10 क्विंटल नीम का बीज बेचता है तो उसकी कितनी आमदनी बढ़ जाएगी, इस पर जरा विचार करिए। पर्यावरण का संतुलन तो बनेगा ही, मुझे लगता है गांव में रह करके भी सामान्य किसान को 25,000-50,000 रुपये सालाना आमदनी का एक स्रोत भी हो सकता है। नीम का ये पेड़ लगाने से न केवल पर्यावरण सुधरेगा बल्कि किसानों को आय का एक जरिया भी मिल जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।